दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जो खूबसूरती के मामले में लगभग सभी एक्ट्रेसेस को टक्कर देती है, तो एक्टिंग के मामले में सलमान खान से भी चार कदम पीछे हैं। हम बात कर रहे हैं कैटरीना कैफ के बारे में। कैटरीना कैसे इंडिया आई और कैसे वो हिंदी और एक्टिंग न जानने के बावजूद सुपरस्टार बन गई, इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी बारे में। कैटरीना का जन्म हुआ 16 जुलाई 1980 को ब्रिटिश हांगकांग में। कैटरीना कैफ टोटल 8 भाई बहन हैं। 3 बड़ी बहनें हैं तो 3 छोटी, एक बड़ा भाई है माइकल। कैटरीना के पिता एक ब्रिटिश बिजनेसमैन थे और मूल रूप से एक कश्मीरी थे जो कई दशक पहले कश्मीर से विदेश जाकर बस गए थे। पिता का नाम मोहम्मद कैफ है और माता का नाम सुजैन, जो कि एक अंग्रेजी वकील है और सामाजिक कार्यकर्ता है। उनका अपना एक एनजीओ है। कैटरीना कैफ के माता पिता का जब तलाक हुआ था तो तब कैटरीना बहुत छोटी थी। इसके बाद सभी बच्चों को इनकी मां ने अकेले ही पाला। हालांकि उन्होंने भी इसके पिता से तलाक के बाद दूसरी शादी कर ली थी। कैटरीना ने 2009 में एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अपने पिता से कभी भी संपर्क में नहीं रही, यानी इनकी माँ ने इनको और सभी बच्चों को अकेले पाला और कैटरीना अपने पहले पिता से कभी भी संपर्क में नहीं रही। कैटरीना ने बताया कि बचपन में कई अलग अलग देशों में रही, क्योंकि कई अलग अलग देशों में इसके फादर का व्यापार था तो इसे अलग अलग देशों में रहने का मौका मिला। इसी बहाने बचपन में अलग अलग देशों में रहना पड़ा था इसको, तो इसकी इसीलिए पढ़ाई, इन सारे भाई बहनों की पढ़ाई किसी स्कूल में नहीं हुई बल्कि होम ट्यूटर के द्वारा घर पर हुई थी। कैटरीना कैफ ने अगर स्कूल की बात की जाए तो इसने क्लास 3 तक पढ़ाई की है सिर्फ। कैटरीना कैफ जब 14 साल की थी तो उसने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था। कॉन्टेस्ट जीतने पर उसने अपना पहला मॉडलिंग असाइनमेंट भी साइन किया, जो कि एक ज्वेलरी का था। इसके बाद कैटरीना ने प्रोफेशनल तरीके से मॉडलिंग शुरू कर दी, कई अलग अलग कंपनियों के लिए मॉडलिंग की और लैक्मे फैशन वीक में सबसे आगे मुख्य रूप से दिखाई देने लगी। ऐसे एक फैशन शो के दौरान कैटरीना को फिल्म निर्माता कैजाद गुस्ताक ने देखा और साल 2003 में उसे बूम नामक फिल्म के लिए साइन किया। बूम फिल्म आप सभी को याद होगी, जिसमें अमिताभ बच्चन थे, गुलशन ग्रोवर थे और साथ में जैकी श्रॉफ थे, जिसमें कैटरीना ने काफी ज्यादा एक्सपोज किया था। इस फिल्म के दौरान ही कैटरीना को कई और फिल्मों के ऑफर आए, कुछ तमिल फिल्मों के ऑफर भी आए और साथ में कुछ मॉडलिंग के ऑफर भी आने लगे। शुरुआती कई फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप साबित हुई तो निर्माताओं ने कैटरीना को फिल्मों में लेना बंद कर दिया। हाल ये हो गया था कि जो फिल्में कैटरीना के पास थी ऑलरेडी, उनमें से भी उसे दूसरी हीरोइंस के साथ में रिप्लेस किया जाने लगा। हालांकि कैटरीना ने उस दौरान कई साउथ की फिल्मों में भी काम किया था, लेकिन वो फिल्में भी असफल साबित हुई। फिल्मों में ना लेने का जो सबसे बड़ा कारण बॉलीवुड में बताया जाता था वो ये बताया जाता था कि इसे हिंदी नहीं आती। तभी कैटरीना कैफ पर नजर पड़ी अपने भाईजान की। न खुद को एक्टिंग आती है और न कैटरीना को एक्टिंग आती है। बस यहीं से सल्लू को उसमें अपनी बहन नजर आई, अपने जैसी दिखी और कर दिया कास्ट फिल्म मैंने प्यार क्यों किया में। बदकिस्मती से फिल्म हिट हो गई, कैटरीना चुलमान को भाग गई। अब चुलमान वहां पर अकेला था, ऐश्वर्या राय के प्रेम का मारा था उस दौरान, तो कैटरीना उसे पराई दुनिया में कहते हैं अपनी सी लगी। उसके बाद दोनों का अफेयर शुरू हो गया। कैटरीना जानती थी उसे न हिंदी बोलनी आती है और न चुलमान खान की तरह एक्टिंग करनी आती है। कैटरीना को चुलमान की जरूरत थी और चुलमान को कैटरीना की। इसके बाद कैटरीना को फिल्में मिलती चली गईं यहाँ से, जब उसने चुलमान खान से दोस्ती की और जितनी भी फिल्में थी सारी बड़े एक्टर्स के साथ फिल्में थी। आप इसकी शुरुआत की जितनी फिल्मों को गौर से देखो तो वो सैफ अली खान के साथ थी, अक्षय कुमार खुद सलमान खान के साथ में बैक टू बैक फिल्में आ रही थी, तो कहने का मतलब सारे बड़े स्टार्स के साथ फिल्में थी। फेक खिलाड़ी कुमार और चुलमान भाईजान के साथ में बैक टू बैक फिल्में आ रही थी, तो यहीं से अफेयर स्टार्ट हुआ अक्षय कुमार के साथ। अक्षय के साथ अफेयर की खबरें इतनी ज्यादा मीडिया में आने लगी थी कि चुलमान और कैटरीना के बीच दूरी तो दूसरी तरफ अक्षय और उसकी वाइफ ट्विंकल के बीच में खटपट होने लगी। एक तरफ ट्विंकल ने अक्षय को कैट के साथ फिल्में ना करने पर पाबंदी लगा दी तो दूसरी तरफ कैटरीना के तार भिड़े रणबीर कपूर के साथ। चुलमान खान का कैटरीना के साथ जो ब्रेकअप हुआ था वो हुआ था 2008 और 9 में, और यही टाइम था जब रणबीर और कैटरीना का एक दूसरे की लाइफ में आना हुआ था। दोनों की 2009 में एक मूवी आई थी, अजब प्रेम की गजब कहानी, जिसमें रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ एक साथ थे और दोनों का अफेयर जो शुरू हुआ था वो यहीं से शुरू हुआ था। लेकिन आलिया भट्ट के इन दोनों के बीच में आने से इन दोनों का रिश्ता टूटा। हालांकि आलिया और रणबीर ने अपना रिश्ता कई साल बाद में ओपन किया था, जबकि
उससे कई साल पहले ही उन दोनों की सेटिंग हो चुकी थी। रणबीर के बाद कैटरीना फिर से अकेली हो गई। उसे फिर से याद आई चुलमान भाई की। हालांकि कैटरीना और चुलमान की दोस्ती कभी नहीं टूटी थी, दोस्ती हमेशा रही थी। उसका कारण हम आपको आगे बताएंगे कि इन दोनों की दोस्ती क्यों नहीं टूटती है और क्यों नहीं टूटी थी। हालांकि फितूर मूवी के दौरान कुछ समय के लिए कैटरीना का नाम आदित्य रॉय कपूर के साथ भी जुड़ा था, लेकिन ये रिश्ता बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया था। आदित्य रॉय कपूर के बाद नंबर आया विक्की कौशल का और फिलहाल कैटरीना विक्की कौशल के साथ शादी कर चुकी है और साथ में उसकी दोस्ती चुलमान भाई से भी है। चुलमान और कैटरीना के अफेयर के दौरान कैटरीना शादी करना चाहती थी, सेटल होना चाहती थी, लेकिन चुलमान को सारे मजे चाहिए थे बिना शादी के। इसके अलावा एक कारण ये भी है कि इन दोनों का रिश्ता वायलेंस के कारण टूटा था। चुलमान खान सबको पता है कि वो कितना वायलेंट है। अपनी गर्लफ्रेंड्स को फिजिकली अब्यूज करने के लिए वो काफी फेमस भी है। ऐश के साथ उसने कितनी मारपीट की थी वो सभी को पता है। वो अपनी हर गर्लफ्रेंड के साथ में यही करता है। यही कारण था कि कैटरीना धीरे धीरे चुलमान भाई से दूर होती गई, लेकिन वो जानती थी कि चुलमान से रिश्ता बिगाड़ने का मतलब है अपने करियर की बर्बादी। यही कारण था कि कैटरीना ने चुलमान का साथ पूरी तरह से नहीं छोड़ा, सिर्फ अपना जो लव एंगल था, जो अफेयर था, वो खत्म किया। दूसरी तरफ अगर बात चुलमान खान की जाए तो उसे लड़कियों से रिलेशन बनाने के अलावा, फिजिकल होने के अलावा कुछ नहीं चाहिए। यही कारण था कि कैट चुलमान से अलग होकर भी चुलमान के साथ थी और आज भी है। इसके अलावा एक दूसरा कारण भी है जो ये दोनों लव बर्ड्स की तरह अलग नहीं होते हैं। हमने आपको शुरू में बताया था वीडियो में कि कैटरीना कैफ की जो मदर हैं, वो एक वकील होने के साथ साथ एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, जिनका अपना एक एनजीओ है जो लंदन बेस्ड है। वो एनजीओ चुलमान के एनजीओ के साथ में इस टाइम पर टाई अप है। दोस्तों, चुलमान का एनजीओ कौन है, क्या है, क्या करता है, उसका काम क्या है, यह आपको अच्छे से पता है और उसमें क्या क्या काले धंधे होते हैं वो भी आज की डेट में हर किसी को पता है। कुछ साल पहले तक कैटरीना की मदर का जो एनजीओ था वो मेल फीमेल दोनों लोगों में डील करता था और अडल्ट लोगों को काम सिखाता था ताकि वो अपना खुद का छोटा मोटा रोजगार कर सकें, छोटा मोटा व्यापार कर सकें। यानी ये जो एनजीओ था ये बड़े लोगों को रोजगार के गुर सिखाता था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एनजीओ जैसे ही चुलमान खान के एनजीओ से टाई अप हुआ, वैसे ही इसमें बड़े लोगों को रोजगार सिखाने के बजाय छोटी लड़कियों को, छोटे बच्चों को डांस और अलग अलग एक्टिविटीज सिखाई जाने लगी। यानी ये जो डील करने लगा ये छोटे बच्चों में डील करने लगा। ये एक सबसे बड़ा कारण है कि भले ही ये अलग अलग रिलेशन में रहें तो भी ये अलग नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा कैटरीना कैफ की अगर बात करें तो बड़े बड़े बिजनेसमैन के घर ये शादी ब्याह में नाचने गाने का काम भी करती है। बल्कि मीडिया में ये खबरें भी आ चुकी हैं कि ये पैसे के बदले में बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ रात भी गुजारती हैं। मीडिया में खबर आ चुकी है कि ये पर नाइट 2010 में 1.5 करोड़ रुपए चार्ज करती थी, जो प्राइस इसका ओपन हुआ था। आज की डेट में इसका प्राइस क्या होगा वो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बढ़ा है या घटा है। इसके अलावा रणबीर कपूर से रिलेशन के दौरान इसका एक MMS भी वायरल हुआ था। वो भी आप सबको, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि इसका एक MMS काफी ज्यादा वायरल हुआ था इंटरनेट पर, जिसमें ये एक व्यक्ति के साथ फिजिकल हो रही थी। हालांकि कहा यह भी जा रहा था कि वो लड़का रणबीर कपूर था, लेकिन उसमें कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया था। कैटरीना कैफ की आज की डेट में अगर बात की जाए तो ये वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस है। आज तक इसकी एक भी फिल्म ऐसी नहीं है जिस फिल्म को इसने अपने दम पर हिट कराया हो या जहां पर क्रिटिक्स ने इसकी एक्टिंग की तारीफ की हो। इनके खुद के खरीदे हुए क्रिटिक्स होते हैं, लेकिन बावजूद इसके कभी भी किसी क्रिटिक ने इसकी एक्टिंग की तारीफ नहीं की, बावजूद इसके लगातार इसको फिल्में मिल रही हैं। इसको काफी मोटी फीस दी जाती है और ऐसे शो किया जाता है जैसे ये 18-20 साल की कोई नई नवेली हीरोइन है जो लगातार अपने दम पर फिल्में हिट करा रही हो और दमदार एक्टिंग करती हो। इसको ऐसे शो किया जाता है। इन सब के पीछे सिर्फ एक ही वजह है और वो वजह है एनजीओ, जहां से छोटी छोटी बच्चियां कहां गायब हो जाती हैं कुछ नहीं पता, कहां उनको डिलीवर किया जाता है कुछ नहीं पता। चुलमान का एनजीओ तो ऑलरेडी इन सब बातों में इतना अंदर तक घुसा हुआ है। यही कारण है कि इसकी जो डिमांड है वो लगातार बनी हुई है और लगातार बनी रहेगी जब तक इन दिनों का ये एनजीओ है। कैटरीना के बारे में कुछ और पॉइंट्स हैं जो जल्दी हम दूसरी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक कमेंट में आप कैटरीना को लेकर अपने विचार जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज़ बनें।